सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साई 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साई 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जब कोई बाल्यावस्था में भगवान का भजन करता है, उसकी बड़ी महिमा है। प्रहलाद जी से बालक पूछते हैं कि ये प्रहलाद जी, आप और सब एक ही जगह रहते हैं और एक ही आचार्य आप सबको पढ़ाते हैं, पर आपको ये संस्कार कहाँ से मिला? आप कहते भगवान का नाम लो, तो हमको तो किसी ने बताया नहीं, आचार्य ने नहीं बताया, हमारे माता पिता ने बताया, तो आप ही हमारे साथ ही रहते हैं, आपको किसने बताया? तो प्रहलाद जी उस रहस्य को कहते हैं, जो अनेकों अनेक महापुरुषों के भक्तों के जीवन में घटित होता है, बाल्यकाल में ही उसको वैष्णव राष्ट्र दो भक्त घरों में जन्म मिल जाता है और बाल्यकाल से ही ऐसे संस्कारवान होते हैं, उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे माता क्यातिव को देवऋषि नाथ जी ने भगवान क्या भगवान की महिमा सुनाई, मैंने माँ के गर्भ से ही वो सब किया है। और गोवर्धन की पूजा का हमें सबको पता है, इंद्र की पूजा होती थी, भगवान ने गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराई, तो भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण गौ माता है। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ जल्दी जल्दी, तो फिर प्रारंभ होता है सर्वदेवमयी गौ माता। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की। अब इस विषय को भी समझना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया जितने भी लोग हैं सब विद्युत परिषद बैठी है, सूर्य उदय से पहले निकाले गए मक्खन बैठे हैं जिसका गुण होता है। तो सारे देवी देवता भगवान के पास गए हैं, ब्रह्मा जी के पास, और कहें कि विष्णु भगवान तो अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, तो हमें भी कोई मौका दो, हम भी कहीं इकट्ठे रह सकें, हमारा भी कहीं मान सम्मान हो, हम सब देवी देवता इकट्ठे रह सकें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनऊ देव तब कयऊ विदाता, सकल निवास एक गौ माता। एक गौ माता है जिसके अंदर आप सबको रहने का मौका मिल सकता है।